पेट लवर और पेट फैमिली जो भी है ना, प्लीज यार इस चीज को इंश्योर करें। ये गिव अप कर रहे हैं कि हमारे पास और कुछ नहीं हो सकता। इंसल्ट की बात भी है और दूसरी चीज की पूरा पानी भर जाता है। अभी भी रिस्क है ना यहाँ से निकलना यार। लॉकर है एनी। आपकी इंसल्ट की है ना, तो हमारा ये डिसाइड है कि हम यहाँ नहीं स्टे कर रहे। वेलकम बैक टू योर न्यू व्लॉग। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। सबको सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। होप सब अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे जैसे हम एंजॉय कर रहे हैं गाइस। और सबसे पहले लुक एट द व्यू, द आउट व्यू यार, कमाल का यार। कभी यहाँ बारिश है और कभी यहाँ पे बहुत सारी धूप है, बट अभी बहुत प्लीजेंट सा वेदर हो गया है। इतने सालों के बाद यार यहाँ पे चिड़िया दिखाई दी है, स्पैरो छोटी सी यहीं कहीं पे दिखाई दी थी मेरे को। यहाँ पर लकी यू, मुझे तो दिखाई, मेरे को दो बार दिखाई देगी भैया। मैं जब पहले आया था ना, मतलब जब चेक इन किया था तब भी दिखाई देगी थी। और अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं गाइस, क्योंकि बफे लगा हुआ है, अभी 10 बजे तक ही है और हम उठे हैं 9 बजे और 15-20 मिनट हमें रेडी होने में लग गए हैं। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, क्या क्या बना है मेन्यू में, और उसके बाद पूरे दिन की कहानी आपके सामने ही होगी गाइस। एंड गाइस एक चीज आपने देखी नहीं, ये देखो ये व्लॉग किससे बन रहा है, नए फोन से, क्या बात है। चलो ये देखो गाइस, सुबह सुबह हमारी मैडम रेडी हो चुकी है, बट ये भी उठती नहीं है, ये भी तो ना थोड़ी सी लेजी हो चुकी है। बट अब इसको पता नहीं क्या लग रहा है कि यार मुझे रेडी करके ये पोनी बना के कहाँ लेके जा रहे हैं। चलो चलो खाना खाने चलेंगे, खाना खाने चलेंगे। चलो हम ब्रेकफास्ट करेंगे, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। चलो गाइस जो हमारे प्रीवियस ब्लॉग होंगे वो तो आपने देख लिए होंगे, देख लिए ना, मजा आया ना, तो लाइक भी कर देना यार। तो गाइस ऐसा हुआ है कि हम लोग ना एक्चुअली नीचे ब्रेकफास्ट करने गए थे एंड अगेन हमने सोचा नहीं था कि मतलब रात में चल हो गया, बोल दिया लोगों ने, अगेन ये सेम चीज हो चुकी है कि मतलब हमें पॉइंट आउट कर दिया कि आप यहाँ मत बैठो, वहां मत बैठो, आप खुद बताओ। मतलब कोई बंदा मतलब अच्छा अमाउंट पे कर रहा है इस रिसॉर्ट का, अच्छा अमाउंट, नॉट कोई कम, बहुत अच्छा अमाउंट हम लोगों ने पे किया। इवन अडोरा का भी हम लोगों ने पे किया यहाँ पे, और हम लोगों को मतलब हर बात पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे रहने का कोई वो है। अब ये लोग हमें इस रूम में रह लीजिए, उस रूम में, अरे हम रूम में रहने नहीं आए यार, हम रूम में रहने ही नहीं आए हैं। अब आप एक बात बताओ, जब बंदा रिसॉर्ट बुक कर रहा है, इतना अमाउंट पे करके इतना दूर आ रहा है, तो हम रूम में तो रहने नहीं आ रहे हैं। या तो आप लोगों को मतलब पहले बोलना चाहिए था ना कि ये सारी चीजें, हमारा जो होटल है वो पेट फ्रेंडली नहीं है। आप एक तो मेंशन कर रहे हो, अपना प्रॉपर मेंशन कर रहे हो। हम लोगों ने मतलब, आप लोग सोच रहे हो कि लोग कहते रहते हैं जाएंगे जाएंगे, हम लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा सर्च किया था एंड आफ्टर दैट जो हमने उसको बुक किया, क्योंकि हमने कन्फर्म किया सब कुछ, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली मेंशन किया हुआ है। या तो आप मेंशन ही मत करो, और आपको अगर मेंशन कर रहे हो सिर्फ पैसों के लिए, अगर आप सिर्फ मेंशन कर रहे हो तो यहाँ आकर एकदम से आप पलट जाते हो। तो हमारा ये डिसाइड है कि हम यहाँ नहीं स्टे कर रहे हैं। नाउ ये लोग जो है ना मतलब कह रहे हैं कि इस वाले सूट में रुक जाओ, इस वाले रूम में रुक जाओ, ऐसा नहीं होता है। हम रूम में रुकने नहीं आए हैं, रिसॉर्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप पे कर रहे हो अच्छा अमाउंट, तो आप पूरा सारी चीज़ों को, जो सर्विसेज होती है उनको हम एंजॉय करेंगे, अमेनिटीज को एंजॉय करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, मेरा मूड बिल्कुल स्पॉइल हो चुका है और होना भी चाहिए। चल यार मैंने रात को ना बहुत ज्यादा काम किया खुद को कि कोई बात नहीं, आई नो ये पेट कैटेगरी में आती है तो इसीलिए हमने पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी देखी। बट अगेन एंड अगेन तो यार कोई मतलब नहीं बनता इतना ज्यादा पे करके, आप सरदर्दी लो यहाँ पे रह के। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ, देखती हूँ वो क्या कर रहे हैं। आई थिंक कि मुझे इसका व्लॉग करना चाहिए था, इसीलिए मैं व्लॉग कर रही हूँ। कल तक हम लोग ओके थे कि चल कोई नहीं, एक बार हुआ, ह्यूमन से हो जाती है चीजें, तो हम लोगों ने उसको लेट गो किया। बट अगेन आप सोचो, सुबह हम ब्रेकफास्ट करने गए, अगेन ये लोग जो मतलब शुरू हो गए, तो मुझे नहीं लगता है कि रुकने का कोई बनता है यहाँ पे। तो नीचे चलते हैं, देखते हैं आदि मतलब क्या फॉर्मेलिटीज कर रहा है, कर भी रहे हैं नहीं कर रहे, फिर यहाँ से निकलते हैं यार। किस्मत खराब चल रही, इतनी बारिश हो रही है और यहाँ पूरा पानी भर जाता है। अभी भी रिस्क है ना यहाँ से निकलना यार। कोई नहीं, हमारे पास 1 बजे तक का टाइम है, हम निकलेंगे पर यहाँ से 12, कोई बात नहीं, हम यहाँ बाहर बैठ जाएंगे, पर पानी तो निकलेगा तभी जा पाएंगे ना, हम यहाँ बैठ जाएंगे, इतनी ह्यूमैनिटी तो होगी। बट गाइस आई एम टोटली टोटली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आने से पहले ना आप कितनी भी कॉन्फर्मेशन ले लो, बट यहाँ पे ऑब्जेक्शन होंगे यार। हर कोई पेट फ्रेंडली नहीं होता, हर जगह पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, तो मेरे को पसंद नहीं है। मैंने तो बैंड बजा दी भाई, इनके DM की, MD सबकी यार, और हम यहाँ से निकल रहे हैं यार। और मैं रिकमेंड किसी को नहीं करूँगा यार, पेट मत लेकर आना, उसकी भी इंसल्ट है, आपकी भी इंसल्ट है यार। सीरियसली गाइज यार, सीरियसली हाईली डिसअपॉइंटेड यार, मैं सच्चा हाईली डिसअपॉइंटेड यार।
मतलब हम यार इतनी बिजी शेड्यूल से ये करने आते हैं हम यार। अरे यार अगर आपका पेट फ्रेंडली नहीं है प्रॉपरली तो बताओ ना, पेट फ्रेंडली का मतलब क्या होता है साला। अरे हर कोई दूर से खड़ा हुई बोल रहा है कि यार पेट पेट यार अलाउ नहीं है यहाँ पे, यहाँ दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। अरे कितनी बार रुके हैं और उनके डीएम एमडी और उनके जीएम तक मुझे ये कह रहे हैं कि सर आप एक काम करिए, आप अभी रहिए, आपको मैं रूम चेंज कराता हूँ। अबे यार रूम चेंज कराने की बात नहीं है भैया, आपको ये बात समझ नहीं आ रही, रूम चेंज कराने की बात नहीं है। अरे रूम चेंज कराने की बात मुझे एक बात बताओ, अभी जो नीचे इंसिडेंट हुआ, चल कल हमको पॉइंट आउट कर दिया कि तो हम लोग थोड़ा इमोशनल हुए और काम हो गए उसके बाद कि चल कोई बात नहीं, एक बंदे ने बोला है। बट अभी जैसे अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए थे या जस्ट वी एंटर्ड द रेस्टोरेंट, just we entered a person walked up to me ki sir your pet is not allowed in the restaurant. Are I know that yaar wo lap mein hai just for few minutes. आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि सर को ठीक है, क्यों नहीं है पेट फ्रेंडली का क्या मतलब? यार यही तो समझ नहीं आया ना, यही तो समझ नहीं आया ना कि पेट फ्रेंडली का मतलब क्या होता है। जब आपने फोन में मुझे बोला कि सर आई एम ऑल्सो अ पेट लवर, आपके पेट को कुछ भी कोई दिक्कत दोगे कहीं मर्जी घूमे। एक्चुअली क्या रीजन है कि ये प्रॉपर्टी है बिल्कुल नहीं है इनके लिए, जो भी क्लाइंट आ रहे हैं ना वो इनके लिए भगवान है, चाहे दो चार इक्का दुक्का ही आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे, तो ये चाहते हैं कि हर किसी को ना प्रेफरेंस मिल जाए। तो बट हमें क्यों बोल रहे हो भैया, हम क्या नहीं, तो उन्होंने क्या बोला ये चीज की अगर कोई पर्सन ऑब्जेक्ट करेगा तो आपको रूम में रहना पड़ेगा। नहीं वो ये कह रहे हैं जहां भी ऑब्जेक्ट करेगा वहां से आपको जाना पड़ेगा इमीडिएटली। कितना बड़ा है भाई ये, कितना बड़ा है ये, मतलब जहां भी ऑब्जेक्ट करेगा वहां से हम जाएंगे रूम में लॉक होने आए हैं, 250 किलोमीटर दूर यहां पे लॉक होने आया है रूम में। रिसॉर्ट कितना बड़ा है मैं वही तो पूछ रही हूं। नहीं यार मैं गाइस आपको रिकमेंड मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो आप पहले एश्योर कर लेना इनसे, और एश्योर करने का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकता है, आपकी हॉलीडे आपकी वेकेशन आपका चिलिंग टाइम सब स्पॉइल हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू यार। तो ये मुझे पसंद नहीं है यार, इससे ऊपर कोई नहीं है, एडोरा से ऊपर साला कोई भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने मर्जी ह्यूमन आ जाए, कितने मर्जी सब कुछ आ जाए। इंसल्ट की बात भी है और दूसरी चीज की जिस पर्पस के लिए होता है कि भाई कोई पर्पस होता है किसी चीज को करने का, अब हम इसका पेमेंट दे रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं। और यार पेमेंट भी बात अलग है, कोई भी पर्सन जो मुझे ये बताओ कोई लाइक भी नहीं करता पेट को वो भी ऑब्जेक्ट कर देगा कि व्हाई द पेट इज रूमिंग अराउंड दिस एरिया यार, आज चिल्ड्रन आर गेटिंग बाथ एंड दे आर गेटिंग प्लेट, तो वो तो चीज गलत हो जाएगी ना यार, फिर कहाँ रहेगा ये, इसको रूम के लिए थोड़ा लेकर आया, रूम तो हमारा घर भी था यार, हमारा घर भी बहुत अच्छा है, वो रूम में रहती है, वो यहाँ एंजॉय करने आई है यार, और आप श्योर कर रहे हो पैसे भी ले रहे हो, पर डे 1000 रुपीज पेट के दे रहा हूं मैं पर डे, और उसमें वो बहुत बड़ा अमाउंट डिडक्ट कर रहे हैं, अभी मैं चेकआउट कर रहा हूँ ना, बहुत बड़ा अमाउंट, मतलब हमें क्या मिल रहा है, अगर हमने 8-10 हजार रुपए दिए तो सिर्फ 1000 रुपए मिल रहे हैं एक दिन रहे हम, तो ये देख सकते हो आप। मतलब यार आदि को तो सुबह लग रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पर मेरे को लगा था कि यार ह्यूमैनिटी होती है, मतलब हम फ्री में नहीं रह रहे, हम लोग पेमेंट दे रहे हैं इस चीज की, मुझे लगा थोड़ी सी तो ह्यूमैनिटी होती होगी, बट मैंने इनकी ऐसी तैसी करी है दबाकर, अभी मैंने सिर्फ प्रोफेनिटी यूज नहीं करी, सोफिस्टिकेशन दिखाई है, नहीं तो फिर अपना पंजाबी वाला टेस्ट दिखाऊंगा ना तो माँ बहन सब्जी हो जाएगी 2 मिनट में। एनिवर्सरी गई मनाने जा से मतलब मेनली हम एनिवर्सरी जो इसके साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे कि ये भी हमारा पार्ट है लाइफ का, तो इसके वरना दिव्या कह रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे ऊपर नहीं है भैया, इससे ऊपर कोई भी नहीं है, बता रहा हूँ जो भी मेरी फैमिली अभी जो भी सुन रहा होगा, इससे ऊपर कुछ नहीं है यार, सच में ये बच्चा बहुत प्यारा। और आफ्टर ऑल मतलब हमने पेट फ्रेंडली करा और पेट फ्रेंडली में ये एक्सपीरियंस था, तो भाई अब मेरे को नहीं इवन दो वी आर पेइंग फॉर आवर चाइल्ड यार, वी आर पेइंग फॉर फॉर बेबी 1000 रुपीज पर डे, उसके बाद भी आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ नहीं जाएंगे वहां नहीं जाएंगे, मतलब ये चाहते थे कि आप अपने रूम में पैक्ड हो जाओ यार, कोई देखे ना कोई ऑब्जेक्ट ना करे, बिकॉज द गेस्ट आर इक्वल। चलो नॉट गोना स्टे हियर फॉर एनी, आपकी इंसल्ट की है ना, इंसल्ट की है ना पेट फ्रेंडली बोल बोल के, फॉर मोर हाफ एन आवर हियर, चलो चलते हैं। अभी जस्ट कॉल आया रिसेप्शन से, और इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइज, इंस्टेड ऑफ कन्विंसिंग हर्स, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन तो व्हाट कैन बी डन, कि हम क्या कर सकते हैं सर, आपको ऑल्टर क्या कर सकते हैं, वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर एट वॉट टाइम यू आर लीविंग द प्रॉपर्टी, ये चीज है ये पूछ रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है गाइज इनके पास, आप यहाँ पे आके ना जो आउटकट है यहाँ पे कोई यहाँ पे रिसोर्स नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे ये गिव अप कर रहे हैं कि हमारे पास और कुछ नहीं हो सकता, ह्यूमैनिटी नहीं है। अब देखो यहाँ के ना रोड वगैरह खराब है, देखो यार बारिश भी आ रही है, यहाँ बारिश है, अपने ओन रिस्क पे हम लोग जाएंगे, ब्रोकन है ये वन साइड है, अगर कोई सामने से व्हीकल आ गया ना तो आपके पास टर्न करने का स्पेस नहीं है, आप टर्न नहीं कर पाओगे, पूरा बैक आओगे, और ऊपर से बारिश भी हो गई है, तो कोई ना बात नहीं, कर्टेसी है ना ये पोलाइट बिहेवियर है ना ये सॉल्यूशन दे रहे हैं, कुछ सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, और ये कह रहे हैं कि आप चेकआउट कितनी देर में कर रहे हैं, सो दैट विल प्रोवाइड यू द 1000 रुपीज ऑफ दैट रिफंड, विल दैट गिव मी हैप्पीनेस, दैट 1000 रुपीज यार, मैं यहाँ पे 1000-2000 का तो पेट्रोल लगा के आ गया हूँ यार,
हजारों का तो पेट्रोल लग चुका है, हजारों की बुकिंग हो चुकी है, 1000 रुपए इसके लिए पे कर रहा हूँ मैं। डैम शिट यार। सो गाइज फाइनली हम चेकआउट कर रहे हैं यहाँ पे और फॉर्मेलिटीज़ करने में उन्होंने इतना टाइम लगा दिया, वैसे बोल रहे थे 11 बजे तक और 12 बजा दिए यहाँ पर। और मैं आपको सिर्फ यही रिकमेंड करूँगा कि मेरा तो बैड एक्सपीरियंस रहा है और ये स्पेशली है पेट फ्रेंडली जो रिसॉर्ट होते हैं ना, जो प्रॉपर्टी बोलते हैं वो एक्चुअल में होते नहीं। तो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, ये है ये एग्जॉट प्राक्रम प्रॉपर्टी। और जो भी पेट फैमिली है भैया, जो भी पेट लवर है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली, प्लीज़ आप इस चीज़ को इंश्योर करना, ये जितना भी वर्बल बोल दें रिटर्न में दे दें आपको, यहाँ पे आपको आके डिस्क्रिपेंसीज होनी ही होनी है। तो या तो उनके लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी बुक करिए कि जो आपको एरिया मिलेगा वो आप सफिशिएंट रहेगा, आप उसमें इंजॉय कर सकते हो, किसी का इंटरप्शन नहीं होगा। तो प्लीज़ यार, मेरा तो बहुत वर्ड एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, बहुत ही वर्स्ट और बैड एक्सपीरियंस, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो बस आपके लिए है। और रिकमेंडेशन में तो क्या करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को मैं हाईलाइट करूँगा फॉर श्योर, इसको मैं हाईलाइट करूँगा। एंड रिसॉर्ट में आई नो रिसॉर्ट में ये चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल आएंगे, वो कहीं भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि आपका पेट ये कर रहा है, आपका पेट वो कर रहा है, हमारे बच्चे डर रहे हैं। अरे तो फिर पेट फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? पेट फ्रेंडली नहीं होना चाहिए ना। आप क्लियरली बोल दो कि सर नहीं हो पाएगा ये, दैट विल बी एट योर ओन रिस्क, आपको आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ को, इरिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट ऐसा ट्रीटमेंट यहाँ मिला है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अच्छी हो, लेविश हो, मैटर नहीं करता, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, सॉर्ट आउट कर रहा है, सॉल्यूशन दे रहा है, वो मैटर करता है। बट इन्होंने कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया, रादर इन्होंने ये कह दिया इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, एंटायरली योर डिसीजन, आपको रहना है, कंटिन्यू करना है या आपको जाना है। तो भैया हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी बच्चे की रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। लवर और पेट फैमिली जो भी है ना, प्लीज़ यार इस चीज़ को इंश्योर करें, और पूरा R&D करने के बाद ही वो कहीं जाए, या तो वो जाए प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब निकलते हैं गाइस यहाँ से।